नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल के रचना नगर अंडरब्रिज पर देर रात हुए मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी सुरेश ने बताया कि मृतक जगदीश के साथ पैसे के लेन देन को लेकर उसका विवाद चल रहा था। मृतक जगदीश ने सुरेश से मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन जगदीश बकाया 6,000 रुपए सुरेश को नहीं दे रहा था। सुरेश ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने सुरेश की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। पुरानी रंजिश और पैसा वापस न मिलने से गुस्साए सुरेश ने घटना वाली रात जगदीश पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी थी। दूसरी ओर मृतक जगदीश भुसावल जेल में बंद होने, हत्या का आरोप लगने सहित आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से तड़ी पार चल रहा था। एमपी नगर में गत रात जो एक निशंस हत्या हुई थी एक व्यक्ति की, 46 वर्षीय व्यक्ति जिसकी शिनाख्त जगदीश पात्रे के रूप में हुई थी, उस हत्याकांड का एमपी नगर पुलिस ने चंद घंटों में, महज 8-10 घंटे में उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। इसमें आरोपी जो मृतक का ही परिचित सुरेश अग्रवाल करके व्यक्ति है, उनके आंख में मिर्ची घोल करके उन पर चाकू से वार किया मृतक पे। और जैसा कि मैंने बताया, ये सुरेश अग्रवाल नाम है इनका, ये ग्वालियर के निवासी हैं जो आरोपी हैं, और इनका पैसे का लेन देन को लेकर के इन्होंने कन्फेस किया। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।